उनको तरक्की दी ताकि पूरी दुनिया की मईशत को आए दर्ज के बाद तहत लाया जा सके, पूरी दुनिया की इकतसादियात को एक बटन से कंट्रोल किया जा सके और जितनी तीसरी दुनिया के लोग हैं पाकिस्तान जिसमें शुमार किया जाता है इनके बजट भी यही लोग बनाए, इनके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी यही बनाए, इनको माशी विजन देने माशी विजन देने की सलाहियत से भी रास्ता हो और फिर उसके नतीजे में इनके तमाम कामों के अंदर तालीम के दायरे के अंदर सफाकत के मैदान के अंदर तहजीब के उत्पाद से तमाम कामों को कंट्रोल किया जाए, अमरीका की इमामत में दे दिया जाए, उसी की सियादत तमाम फैसले करे, अमरीका का ये वर्ल्ड व्यू अमरीका का ये नया आदमी निकाल कि ये दुनिया हमारी है, हम इसको डिक्टेट करेंगे, हम डूबों की गर्दान करेंगे, हम इनकी फौजों को तस्लीम नहीं करेंगे, अपने वादे इनको रखेंगे, हम इनकी हुकूमतों को गुलाम गुलाम बनाकर रखेंगे और जो सर जो इस मामले में किसी भी हवाले से सर उठाकर चलना चाहेगा उसकी सरविश करेंगे। हमने ये बात उस वक्त भी कही थी, इस्लामी तहरीकों ने पूरी दुनिया के अंदर अमरीका की इस इमामत और क्यादत इसको चैलेंज किया था और हमने ये बात कही थी कि ये दुनिया हम मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हैं, ये दुनिया अल्लाह तबारक व तआला की है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें इंसानों को अगर भेजा है, परवरिश किया और पैदा किया है, उनको आजादी दी है इख्तियार की, चाहे तो उसके मर्जी को कबूल करे चाहे तो उसकी मर्जी को हक करे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की रहनुमाई का इंतजाम किया है, अपने अंबिया भेजे हैं, अपनी किताबें भेजी हैं और अंबिया में से आखिरी बादशाह अंबिया को भेजा है, इमामुल अंबिया को भेजा है, अंबिया के सरदार को भेजा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतमी मर्तबत को भेजा है कि ताक़यामत इनके उसवे पर अमल करना है, दुनिया को संवारने के लिए, जुल्म से निजात दिलाने के लिए, दुनिया में अमन और मसावात के लिए, दुनिया के मसाइल हल करने के लिए अल्लाह की बंदगी को अपनाया और अख्तियार किया जाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल इताअत और फरमाबरदारी के नतीजे में अल्लाह की बंदगी वजूद में आती है। इसलिए उम्मत मुस्लिमा ने इसको चैलेंज किया, हमने और इस्लामी तहरीकों ने तमाम जिहादी तहरीकों ने अमरीका के इस एहसास को रद्द किया कि तुम्हारा वर्ल्ड व्यू गलत है, हमारा वर्ल्ड व्यू दुरुस्त है, लेकिन हम अपने वर्ल्ड व्यू के लिए नुकते नजर और जाविया निगाह के लिए हम तो इस्तेमाल नहीं करते, हम बड़े दरवाजे पर जंगलों को वोट नहीं देते, हम दावती लोग हैं, हमारे पास पैगाम है, हक और सच का अनुमान है, हमारे पास इस्तदलाल है, हमारे पास फलसफा है, जहनों को अपील करने के लिए कुरान सुन्नत की तालीम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके 23 साल दौरे नबूवत है जिसमें पल पल की रहनुमाई है, हर मसले को हल करने हर मुस्तकिल नाजुकनी का हक मौजूद है, हर मसले को नाखून तदबीर से हल करने के उनका नाम है। इसलिए हम अगर दो अमरीका को कहते हैं उसके निजाम जिंदगी को मुस्तरद करते हैं, उसके ऐलान और दावों को कि ये दुनिया उसकी है इसको मुस्तरद करते हैं, उसकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने और बखेरने की बात करते हैं और हर तरह के पैरों को हटाकर हर तरह की गुलामी के उन्मानात को जो दूर तक सजाए हुए हैं उनको जूती की नोक पर लाकर उनको मुस्तरद करते हैं। याद रखो अमरीका को हमारे ईमान की पुकार है, अमरीकी गुलामी का मंजूर हमारे अकीदे का सहारा है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये हमारा अकीदा भी है, ये हमारा ईमान भी है, ये नजात का रास्ता भी है, ये अल्लाह को राजी करने का तरीका भी है और ये दुनिया के अंदर अमन कायम करने के लिए हालात को बेहतर बनाने के लिए महबूब आयात को एक सब में खड़ा करने के लिए और ये अकीदा और ये नारा और ये कलमा दिलों को सुकून और सकीनत फराहम करने के लिए, जज्बों को महफूज देने, तारों को सतर्की का उत्पाद बनाने, पैरों को हमारा रूप करने
दिलों की धड़कने उसका साथ देने वाला खाता है। दिलों की तरजीहात जहन और दिल को साथ रखना, दिलों की तरजीहात उसके मुताबिक चलाने वाला ये नारा है। इस नारे के नतीजे में कदमों में सवाल पैदा होता है। इंसान ताल्लुक का कोई ग्राम होता है, इंसान सदाकत के हवाले से पहचान कायम करता है और नित नए तरीकों से अपने रब से गुरबत के नतीजे में ताल्लुक मिलना के नतीजे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सुन्नतों उनसे मोहब्बत के नतीजे में उनकी शरीयत उतारा उसको अपने साथ उसको नाफिज करने की जद्दोजहद के नतीजे में इंसान बंदगी के रास्ते पर चलता है। लिहाजा हमारा ये धारणा हो, हमारी जितनी कौमी कॉन्फ्रेंसें हो, हमारे जितने शिरके हो, छोटे बड़े इज्तम हो, अगर ये नारा लगता है तो ईमान की पुकार को रहने के अंदर है जिनको जो है राम के दाखिल